नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आइए अब तक की तमाम अहम खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। ताजा है, तेज है। लखनऊ में हुआ हैरतअंगेज हादसा, तेज रफ्तार बाइक के साथ जमीन पर घिसटता रहा युवक, बाल बाल बची जान। बाइक की चपेट में आने से बचे बैडमिंटन खेल रहे बच्चे, बाइक को सामने की तरफ घिसटता देख चंद सेकंड पहले ही किनारे हट गए थे। यूपी के बुलंदशहर में एक शराबी को फोन छीनना पड़ा महंगा, लोगों ने लात घूसों से की पिटाई। उत्तराखंड के नैनीताल में खाना बनाते हुए सिलेंडर में लगी आग, फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग को बुझाया गया। हरिद्वार में कव्वाली प्रोग्राम के दौरान हंगामा, दो गुटों में चली कुर्सियां, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में आवारा बुल की लड़ाई से लोगों में मचा हड़कंप, कई बाइक्स को पहुंचा नुकसान, लोगों को भी आई चोटें। एमपी के बैतूल में सड़क हादसे से मौत पर हंगामा, गुस्सा, लोगों ने ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत, गुस्सा, लोगों ने बाइक में लगाई आग। दिल्ली में युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने, भीड़ ने बेरहमी से की युवक की पिटाई, आपसी विवाद का मामला। कनाडा में एक शादी के दौरान हुआ बवाल, वेडिंग केक बांटने को लेकर लोगों के बीच मारपीट। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर एक सेल्समैन की पिटाई, कम पेट्रोल डालने की शिकायत पर हुआ था विवाद, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मुंबई के विक्रोली रोड पर चलती कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विशाखापट्टनम में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई के बोरीवली में चोरी की वारदात से हकम, दो दिन के भीतर 15 से ज्यादा दुकानों में चोरी को दिया गया अंजाम, पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए। दिल्ली में दिन दहाड़े बैंक में ठगी, बातों में उलझाकर 17,000 रुपए की ठगी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के आरा में ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े लूटपाट, हथियारों से लैस 7 बदमाशों ने बोला हमला, मैनेजर के साथ साथ ग्राहकों को भी बंधक बनाया। 20 मिनट के अंदर बदमाशों ने करीब 30 लाख रुपए की लूटपाट की, चाबी न देने पर मैनेजर पर पिस्टल की बट से किया हमला, 6-7 राउंड फायरिंग करके फरार। गुजरात के सुरेंद्रनगर में गांव में शेर दिखे जाने पर मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों का बयान, कहा इलाके में 100 साल बाद दिखा शेर। राज्यसभा में विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति, आज कश्मीर मुद्दे को लेकर हो सकता है हंगामा। निर्मोही अखाड़ा के संतों से आज मुलाकात कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, राम मंदिर ट्रस्ट के लिए प्रतिनिधि को लेकर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की आज होगी मुलाकात, शिवसेना को समर्थन दिए जाने से पहले सरकार बनाने की संभावनाओं पर होगी बातचीत। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, महाराष्ट्र को लेकर सीनियर नेताओं से करेंगी चर्चा। महाराष्ट्र में सरकार पर जारी सस्पेंस के बीच संजय राउत का बड़ा बयान, कहा सावरकर को भारत रत्न देने के समर्थन में है शिवसेना। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ गुवाहाटी में प्रदर्शन, छात्र मुक्ति संगठन समिति के कार्यकर्ताओं ने जलाए पुतले। बीएमसी खाताधारकों का हंगामा, इंसाफ के लिए मुंबई में हाईकोर्ट के बाहर किया प्रदर्शन। न्यूज नेशन से बोले बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, कहा अयोध्या में तय मॉडल के आधार पर ही बनेगा राम मंदिर। तमिलनाडु में कोयंबटूर में शराब के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल, शराब की दुकान बंद करने की मांग को लेकर डीएम दफ्तर का किया घेराव। भारी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी, शराब की दुकान बंद कराए जाने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन। बिहार के बाढ़ में अचानक एक फ्यूल पाइपलाइन फट गई, तेल लूटने के लिए लोगों में मची होड़। फीस वृद्धि को लेकर आज भी जेएनयू छात्रों का विरोध प्रदर्शन रहेगा जारी, कैंपस के बाहर छात्र होंगे एकजुट। जेएनयू छात्रों का आरोप, कहा बिना बात किए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छात्रों के समर्थन में जेएनयू के टीचर्स ने निकाला मार्च। छात्रों और पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा जेएनयू प्रशासन, कहा आंदोलन कर रहे छात्रों ने की कोर्ट की अवमानना, पुलिस भी जिम्मेदारी निभाने में रही नाकाम। बीएचयू में वामपंथी और एबीवीपी के छात्रों में झड़प, जेएनयू के मुद्दे को लेकर वामपंथी छात्र संगठन कर रहे थे प्रदर्शन।
सोशल मीडिया पर एक डॉग का क्यूट अंदाज हुआ वायरल। गाड़ी चलाते हुए मार्केट में पहुंचा डॉग हाईलैंड का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। वीडियो में कुछ लड़कियां चलती बस का गियर चेंज करते दिख रही हैं। बस ड्राइवर का लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कल महसूस किए गए भूकंप के झटके। भारत नेपाल सीमा पर था भूकंप का केंद्र। दिल्ली के बवाना में नकली जीरा बनाने वाले गिरोह का खुलासा। 20 क्विंटल नकली जीरा जब्त। घास, स्टोन पाउडर और सीरे से बनता था नकली जीरा। घास, स्टोन पाउडर और सीरे से ये नकली जीरा बनाया जाता था। मौके से 5 लोग किए गए गिरफ्तार। कब्जे से 2 ट्रक नकली जीरा और कच्चा माल बरामद। गिरोह का 1 सदस्य पुलिस की पकड़ से बाहर। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की छापेमारी। राजस्थान और यूपी में सप्लाई करता था नकली जीरा। धारा 420, 272 और 273 के तहत मामला दर्ज। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ व्यापारियों का बड़े पैमाने पर आज प्रदर्शन। 700 से ज्यादा शहरों में ठप रहेगा कारोबार। आर्मी कमांडर रणबीर सिंह ने किया उत्तर कश्मीर की ऊंची चोटियों का दौरा। जवानों का बढ़ाया हौसला। कल सियाचिन में आए अवलांच में शहीद हुए थे 4 जवान। सिंगापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पाकिस्तान पर हमला। कहा नापाक हरकतों में शामिल है पड़ोसी देश। 370 हटाना हमारा आंतरिक मामला। रक्षा मंत्री ने की दुनिया के सबसे महंगे सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर की सवारी। 2 दिन के सिंगापुर दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। अवलांच में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि। जम्मू में छात्र छात्राओं ने सैनिकों के लिए की प्रार्थना।